नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। युद्ध विवाद की लापरवाही से एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के छापुर शेर अफगानपुर गांव का है, जहां हाई टेंशन लाइन की तार टूटने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल युवक को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों सगे भाई हैं। आपको बता दें कि दोनों युवक जिला सहारनपुर के करारटी गांव के रहने वाले हैं। दोनों भाई बाइक पर सवार होकर रोजमर्रा की तरह छापुर शेर अफगानपुर को होते हुए भगवानपुर के मक्खनपुर अपने हेयर सैलून की दुकान पर आ रहे थे। छापुर शेर अफगानपुर पहुंचते ही 11,000 की हाई टेंशन की लाइट का तार टूटकर बाइक सवार युवक के ऊपर जा गिरा, जिससे एक युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की उम्र 18 वर्ष है और दूसरे युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाई टेंशन की लाइट लोगों के मकान की छत के ऊपर से जा रही है और जिसकी ऊंचाई भी बहुत कम है, जिसके बारे में कई बार विद्युत विभाग को लिखित पत्र देकर अवगत भी कराया जा चुका है कि यह लाइन बहुत जर्जर हालत में है, लेकिन शिकायत पत्र देने के बाद भी विभाग कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। वही मौके पर पहुंची भगवानपुर विधायक ममता राकेश का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। सुबह लगभग 9 बजे मेरे पास फोन आया छापुर गाँव से के गांव में हादसा हो गया। करालटी गांव पास में पड़ता है। करालटी से दो युवा लड़के मक्खनपुर, इनका अपना सैलून है, वहां काम करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में जैसे यहां से गुजरे छापुर से, तो यहां अचानक बिजली का तार टूटा और इनके ऊपर गिरा, जिसकी वजह से एक शोएब नाम के लड़के की मौके पर ही मृत्यु हो गई, दूसरा इसका भाई वाजी गंभीर रूप से घायल। तो लापरवाही भी सामने आई है। लापरवाही, तार टूटने की वजह से मृत्यु। जाँच कराई जा रही है, जाँच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी हमारे ग्राम प्रधान ने, कुछ लोगों ने मुझे बताया है, उससे मैं बात रखूंगी विभाग के सामने। जिसकी लापरवाही होगी उसको सजा दी जाएगी, जो कार्रवाई आगे की जाएगी।